श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति व बाहर से आए मुख्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का किया गया शुभारंभ। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति ब्रजेंद्र सिंह गौतम ने 2580 मेधावी छात्र छात्राओं का किया सम्मान। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति ब्रजेंद्र सिंह गौतम ने जिन छात्र छात्राओं के माता पिता नहीं पूरी पढ़ाई का खर्च उठाने का लिया जिम्मा। महाराजपुर की अटल सभागार आजादी के अमृत महोत्सव के तहत श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति द्वारा महाराजपुर तहसील अंतर्गत आने वाले 10वीं और 12वीं कक्षा में 60% अंक लाने वाले होनहार मेधावी छात्र छात्राओं के सम्मान समारोह का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। छात्र छात्राओं एवं अतिथियों का सम्मान करते हुए विजेंद्र सिंह गौतम कहा कि शिक्षा सर्वोपरि है और साथ साथ छात्र छात्राओं को अपने करियर के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि इस प्रकार का कार्यक्रम हम हर वर्ष करेंगे, जिससे हमारे क्षेत्र के छात्र छात्राओं को आगे चलकर पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आए और वो अपना करियर स्वयं चुन सकें। और मेरा सभी छात्र छात्राओं से ये निवेदन है कि छात्र हो या छात्र, उस प्रकार के करियर को चुने जिसमें उसको अच्छा अनुभव हो, अच्छा ज्ञान हो। संदीप चौरसिया की खास रिपोर्ट। अंकित पटेल, दीपेश यादव, दीपेश यादव, क्या कहना है आपका, कैसा लगा आपको? बहुत खुशी हुई मिलकर। अलक नंद्रा, और ऐसे ही सबको अलग चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। केंद्र द्विवेदी, और भी बच्चे आगे बढ़े। विकास पाठक, और ये देखकर अलक नंदा द्विवेदी, अलक नंदा द्विवेदी, विकास पाठक 10th क्लास, ज्योतिरादित्य कुशवाहा। मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि मुझे इस टैलेंट कॉम्पिटिशन में भाग लेने को मिला है और सम्मान भी मिला है। पटेरिया, आगे क्या बनना चाहते हैं आप? मैं आगे टीचर बनना चाहती हूँ, टीचर। वो मौका मेधावी छात्र सम्मान समारोह के साथ साथ करियर काउंसलिंग का भी रखा गया है कि छात्र 12वीं 10वीं के आने के बाद करने के बाद आखिर जीवन में क्या करें। मुझे अच्छे से याद है, जब मैं 12वीं मैंने उत्तीर्ण कर लिया था तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस दिशा में जाऊं। किसी ने बोला बीएससी कर लो, कोई बोला एक काम करो आप इंजीनियरिंग की तरफ चले जाओ, कोई बोले होटल मैनेजमेंट चले जाओ। मेरा स्वयं का विवेक नहीं था, मैं निर्भर किस पे था, या तो अपने मित्रगणों पर या अपने शिक्षकों पर। ये परिस्थिति आज इतने आधुनिक समय में जिसमें गूगल आपके पास, इंटरनेट की जानकारी आपके पास उपलब्ध है, लेकिन ये छात्रों में कहीं ना कहीं आज भी चिंतन का विषय है कि